साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में स्पेस डिवीजन को लेकर बात की थी और किस प्रकार सहसंबंध रेखाओं के साथ में हमारे कैनवास का संबंध स्थापित करके नए रुचिकर कंपोजिशन बनाए जा सकते हैं, इसको समझने का प्रयास किया था। एक बात हमें यहाँ जो ध्यान देने की है कि हमारे सामने पूरा चराचर सृष्टि है, इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ होती है, कई प्रकार के मोटिव्स होते हैं, अभिप्राय होते हैं, जिन्हें हम अपने ढंग से कैनवास पर संयोजित करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन हमारा कैनवास जो अनंत अंतराल है और अक्षत, उसमें अनंत सीमाएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको हमें एक चित्र रूप में ढालना है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने कला विद्यार्थी काल के दौरान या अपने कला के आरंभिक चरण में कुछ ऐसे अभिप्राय, कुछ ऐसी आकृतियाँ जो कि आपको रुचिकर प्रतीत होती है, उनका चयन करें और उनको चयन करने के पश्चात उन्हीं के साथ बार बार उन्हें दोहरा कर नए नए स्पेस डिवीजन के साथ में कैनवास को संयोजित करने का प्रयास करें, जिससे कि कुछ अच्छा अच्छा निकल के आ सके, कुछ सृजनात्मक निकल के आ सके, कुछ रचनात्मक निकल के आ सके और आपकी रुचि काम करने में बनी रहे और साथ ही आप स्पेस को समझने का काम भी करते रहें। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कंपोजिशन देखेंगे जो कि हमने बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम अभिप्रायों के साथ में, जैसे कि मैंने इसमें केवल फेस लिया है और पत्ती की कुछ आकृतियां हैं, जो पत्तियां होती हैं उनकी आकृतियां हैं, उन्हीं को एक स्पेस में संयोजित करके नए नए स्पेस डिवीजन के साथ में कंपोजिशन बनाने का काम किया है। अब यह संयोजन किस प्रकार नए नए रूप लेता है, हम इस आगे वीडियो में देखेंगे। यह देखिए, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेटर लाइंस हैं और कुछ आकार की रेखाएं हैं। एक चेहरा जो बना हुआ है, उस चेहरे को हमने ऊपर से शुरू करके नीचे तक एक स्पेस डिवीजन के रूप में बनाने की कोशिश की है, जो आकृति के साथ साथ में सहसंबंध रेखा का कार्य भी कर रही है। इसी प्रकार बाएं से आती हुई दो रेखाएं हैं जो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इस स्पेस को जोड़ने का प्रयास कर रही है और पत्तियों का रिपीटेशन करके हमने इसमें एक गति प्रदान करने की कोशिश की है। सरल सहज संयोजन बनाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। आँख की आकृति को भी पत्ती की आकृति में ही बनाकर उसे भी चित्र का एक अंग बनाने की कोशिश की गई है। अब उन्हीं आकारों के साथ में हमने एक नया कंपोजिशन बनाया है। जैसा कि हमने पहले वाले चित्र में देखा था कि जो आकार की रेखाएं हैं या जो आपकी मुखाकृति की जो रेखा थी, वो मुखाकृति की रेखा होने के साथ ही सहसंबंध रेखा का कार्य भी कर रही थी और कैनवास को ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ने का प्रयास कर रही थी। पिछली जो रेखाकृति थी उसमें रेखाएं बाईं ओर से आ रही थी, इस बार हमारी सहसंबंध रेखाएँ जो हैं वो दाहिनी ओर से आ रही है और वही पत्तियाँ जो हमने पहले बनाई थी इसमें भी बनाकर उसे स्पेस के रूप में साथ में बनाकर संयोजित करने का प्रयास किया गया है। आँख वहीं हमने पत्तियों की तरह बनाकर चित्र का एक अंग बनाने की कोशिश की है। तो समान अभिप्राय रहते हुए दो संयोजन आपके सामने है। अब देखते हैं तीसरा संयोजन। साथियों, संयोजन की अक्षत सीमा, कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इसमें आप कितना नए नए तरह से कैनवास के साथ खेल सकते हैं, कितना स्पेस उसका डिवाइड कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। यहाँ हमने पुनः उन्हीं आकारों, उन्हीं रेखाओं के साथ में स्पेस को समझने का प्रयास किया है, नया चित्र रूप देने का प्रयास किया है, नया कंपोजिशन बनाया है। अभिप्राय आप ध्यान दीजिए, अभिप्राय अभी भी वही है जो पहले थे, लेकिन आकार भी वही है जो पहले थे, कंपोजिशन नया है। तीन कंपोजिशन जो हमने बनाए थे समान आकारों को लेके, वे तीनों अलग अलग है। अब ये चौथा कंपोजिशन है। अब इसमें भी हमने पत्तियों को एक साथ
संयोजित करके एक साथ इकट्ठा करके बनाया है और मुखाकृति उसी प्रकार से जो हमने पहले चित्रों में बनाई थी, लेकिन उसकी जो स्थिति है उसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। जो हम दाएं बाएं से उस आकृति को ले रहे थे, अब हमने ऊपर से उसको निकाला है। तो इस प्रकार के परिवर्तन करने से संयोजन का पूरा रूप ही बदल गया है। इस संयोजन में भी आप देखिए, थोड़ा ज्योमेट्रिकल एंगल से इसको लिया गया है, जिसमें आसपास जो है वह स्पेस सीधा डिवाइड करके बीच में मुखाकृति बनाकर संयोजित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार इस कंपोजिशन में आप देखिए कि हमने जो अभी तक चेहरा एक आकार के रूप में ले रहे थे और पत्तियां अलग आकार के रूप में ले रहे थे, अब हमने चेहरा और पत्तियों को मिलाकर उसे एक टेक्सचरल पार्ट बनाकर चित्र के साथ में खेलने का प्रयास किया है। स्पेस डिवीजन सहसंबंध रेखाएं जो हैं उनके द्वारा चित्र में एक गति उत्पन्न करने की कोशिश की गई है कि दोनों आकार जो दोनों विरोधी दिशाओं में हैं उनको एक साथ किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। सहसंबंध रेखाएं इन्हें जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार इस कंपोजिशन में आप देखिए कि वही आकार हैं, वही पत्तियां हैं, पर कुछ रुचिकर बनाने के लिए हमने आँख के साथ में पत्तियाँ बना दी और पत्तियों के साथ आँख बना दी, और वही सहसंबंध रेखाएँ जो पहले बनाई गई थी इसमें भी बनाई गई है, पर स्पेस को एक नए ढंग से संयोजित करने का प्रयास। पुनः इस चित्र में भी नीचे हमने पूरा टेक्सचरल पार्ट लेकर मुखाकृति को ऊपर अवस्थित करके और आँख के अंदर नीचे वाले टेक्सचरल पार्ट का रिपीटेशन देकर संयोजन बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट इसमें भी आप देखिए मुखाकृति की जो स्थिति है वह पहले वाले कंपोजिशन से अलग है। पत्तियों वाला जो स्पेस है वह अपने आप में एक पूर्ण टेक्सचरल स्पेस के रूप में लेकर और उसे कैनवास के साथ संयोजित करने का प्रयास है। इसमें वही कार्य हमने किया है जो पिछले वाले में थे। इसमें पत्तियां नीचे की ओर थी, इसमें पत्तियां हमने ऊपर की ओर ली है। चेहरे की स्थिति वही है जो पहले थी, उससे उल्टी हो गई है। आँख में भी पत्तियों वाली आकृति का रिपीटेशन और कान के ऊपर भी कुछ पहनने वाली चीज़ों को जैसे पत्तियों को बनाकर उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश की है। तो ये जहाँ पत्तियाँ पुनरावृत्ति का काम कर रही है, वहीं एक स्पेस का काम भी कर रही है। और रेखा मुखाकृति की जो रेखा है वह कोऑर्डिनेटर लाइन्स का काम भी कर रही है, सहसंबंध रेखाओं का काम भी कर रही है, और नीचे इसका जो गर्दन वाले एरिया के लिए जो लाइन बनाई गई है वह भी स्पेस जो कि डीएक्टिव हो रहा था उसको एक्टिवेट कर रही है। इसी प्रकार इस संयोजन में हमने कुछ नया करने का प्रयास किया है। यह कंपोजिशन जो दूसरे कंपोजिशन से थोड़ा अलग है, वही उसी प्रकार से टेक्सचरल स्पेस बनाकर फेस को और सामने के स्पेस को भी एक्टिव करके टेक्सचर के साथ में संयोजन करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, आप देखिए कि सीमित अभिप्रायों या आकारों के साथ में हम किस प्रकार नए नए संयोजन बना सकते हैं। यहाँ संयोजन के लगभग 12 रूप आपके सामने हैं जो हमने समान आकारों के साथ में संयोजित करने का जिन्हें प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ है आकृति। आकृति को सहसंबंध रेखाओं के जैसे कार्य में लेना, टेक्सचर जो आकार है उसको टेक्सचर्स के रूप में भी काम में लिया गया है, और स्पेस डिवीज़न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार समान आकारों, अभिप्रायों और सहसंबंध रेखाओं के साथ नए नए प्रयोग करके नए कंपोजिशन बनाए जा सकते हैं। आप भी अपनी रुचि के कुछ ऐसे आकार चुनिए जो आपको प्रकृति में दिखाई देते हैं और उन्हें कैनवास पर संयोजित करने का प्रयास करिए। यह एक ऐसा अंग है आपके अध्ययन काल का जो कि आपको जीवन भर, यदि आप कला क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, तो आपको बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही आसानी से आपको नए नए कंपोजिशन बनाने में सहायता प्रदान करेगा। कहते हैं कि यदि बेसिक्स अगर कंप्लीट हो तो आप कितनी भी क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी कार्य करें आप उसे संभाल सकते हैं, उसे सही रूप दे सकते हैं। तो ये आपके बेसिक्स हैं, आप यदि इनकी स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ नया कर पाएंगे। थैंक्स।